तो अभी ओम को आना है साइकिल लेके राम राम सीताराम सबको गुड इवनिंग तो ओम को आना है साइकिल लेके और हम जा रहे चल के चल के और जाना है अभी खेत में और दूसरे खेत थोड़ा हमारा वॉक भी हो जाए जाएंगे हाँ। हमें भी करना चाहिए <laughs> वैसे हम यहाँ पे करते रहते चलता ही रहते टाइम पे वहाँ खास वॉकिंग के लिए शाम को निकलते थे ना? क्योंकि इतना टाइम लेकिन तब ठंड भी बहुत होती थी अच्छा? नवंबर में बोन है और अक्टूबर हाँ। के आसपास पास वहाँ पे फिर सितंबर आई I अक्टूबर mean, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में बहुत होती है ठंड इंग्लैंड में हाँ और अभी सनसेट का टाइम है तो मज़ा आएगा तो टाइगर भी आ रहा है साथ में मेंगन प्यारा है और हम सब जा रहे हैं ओम साइकिल लेके आ रहे हैं चलो और मैं साथ में मूँगफली भी खा रहा हूँ हाँ मुझे भी खानी है अभी और देखेंगे अभी अच्छी ज्यादा हो गई होगी मूँगफली तो और अभी खा सकते हैं और आने वाले आज दस दिन में रेडी होंगे सो अभी प्रेगनेंसी में वॉकिंग बहुत जरूरी है ऐसा

उसको समझ नहीं हो कहीं पे भी भागेगा वो फाइट करेगा फिर टाइगर को जाना पड़ेगा हाँ। फाइट में लास्ट टाइम हुआ था तो फिर <laughs> <laughs> यही हुआ था फिर टाइगर क्या करता है टाइगर जान लेवा फाइट करने और दूसरे कुत्ते को मार भी सकता है हाँ। चलने में क्या है कि मैं थोड़ा स्पीड में चलता हूँ और भारतीय वैसे भी धीरे चलती है अभी तो क्या है कि लोड में गाड़ी चलती है तो इतनी स्पीड हाँ। से नहीं चल सकती नहीं अभी क्योंकि जब वॉकिंग करते हैं ना तब भी किकिंग करता है ना बेबी अंदर से तो थोड़ा सा धीरे धीरे चलना पड़ता है और अभी है भी एक और महीना आज कितनी तेईस है ना बाईस बाईस आने वाली बाईस तारीख को तो ऑलमोस्ट ट्वेंटी अभी दिवाली को भी एक महीना दो दिन है क्योंकि नवरात्रि है पहुंच गया। मेरे बर्थडे के दिन, दिन ही नवरात्रि स्टार्ट, स्टार्ट हो रही है।, है।, है इस बार थोड़ा वो आगे पीछे होता है बाय अभी और अभी खाएंगे अभी जैसे जैसे वो होगा ना और अभी हम ना धीरे धीरे रेडी होंगे खेत में चले जाए चलो यहाँ से चल सकते हैं खेत में भी मूंग बहुत ज्यादा बारिश की वजह से नुकसान तो हुआ है अभी आपको क्लोजली दिखाएंगे हम मूंगफली में हाँ, क्योंकि खेत इस तरह से एक साय ढलान में है और सभी खेत ऐसे ही होते कहीं ना कहीं तो ढलान होती है वहाँ पे पानी भरने की वजह से क्या हुआ कि हमने मूंगफली निकाल के जुआर लगाई फिर बहुत ज़्यादा बारिश आई वो जुआर नहीं उग पाई फिर वापस लगाई वापस जुआर लगाई वापस, जुआर लगाई। वापस बहुत ज़्यादा बारिश आई वो भी नहीं उग पाई अभी तीसरी बार नहीं लगानी क्योंकि अभी तो जल्दी मूंगफली भी एक डेढ़ महीने में मूंगफली निकल जाएगी और प्रोडक्शन आधा होगा बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से ये हुआ है से फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर सिर्फ एग्जाम्पल हजार किलो होती तो अभी ये होगी छ सौ सात सौ किलो तो ये इतना नुकसान आया है ये आप क्लोजली देख सकते हो तो ये सारा जो है इसका कुछ भी ग्रोथ नहीं हो पाया है। क्योंकि पानी में पानी, पानी इसके भरा रहेगा ना तो नहीं हो पाती फिर और ये पीछे देखो नीचे आप देख सकते हो ये जो पानी भरा हुआ है इसकी वजह से ये ऐसी डिजाइन हो जाती है ज्वार लगी थी इसमें तो ये पूरा इसमें कोई भी टाइप का ग्रास भी नहीं उग पाया वैसे क्योंकि

और इसमें निकलने में हो ज्यादा अभी ये दो तीन फीट नीचे गई है हमारा कुआ नीचे गया वरना ये जमीन के एकदम लेवल था और इससे भी ऊपर पानी इसमें से पानी निकल रहा था सामने से अभी हमारे जो मैंगो ट्रीज हमने लगाए थे भारतीय के बर्थडे पे इसको हो गए तीन साल और उसमें से तीन बच्चे वैसे दो ही बच्चे एक उधर एक यहाँ पे बाकी के चले गए क्योंकि यहाँ भी पानी बहुत ज्यादा हो जाता है उसकी वजह से क्या वजह और ओम बहुत आगे निकल चुका है वहाँ पे वेट कर किसान की बहुत ज़्यादा मेहनत होती है इसमें लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है आ, किसानों का बहुत ज़्यादा प्लानिंग होता है जैसे बेटियों की बेटे की शादी करनी होती है या कुछ नया इन्वेस्टमेंट करना होता है तो वो होता है कि यह फसल की जो प्रॉफिट होगी उसमें से करते हैं कभी कभी शॉर्ट पैसे की जरूरत होती है इन्वेस्टमेंट मतलब कि कोई बिजनेस नहीं होता कि ऐसा बिजनेस जल्दी जल्दी किसानी में कोई कर लेता है किसान का क्या रहता है कि खेतों में कुछ लगाते हैं तो उसके लिए ऑलरेडी उन्होंने प्लान करके रखा होता है कि अगर दो तीन लाख रुपये हाथ में आ जाए तो ये करेंगे नेक्स्ट वो करेंगे और आ, सभी किसान इतने जल्दी ग्रो भी नहीं कर पाते बड़ी ज़मींदार की बात और है हमारी भी कोई इतनी बड़ी ज़मीनें नहीं है हमारी टोटल अभी बारह तेरह एकड़ जमीन हुई है अराउंड हाँ तेरह से ज़्यादा हुई पंद्रह एकड़ तक बोल सकते लेकिन फिर भी उसमें सारे में हम मूँगफली नहीं लगा लगाते आ, कुछ तो हमारे रहने का वो एरिया है वो है कुछ निकल जाता है हमारी गायों का चारा वो निकल जाता है और, और कुछ एरिया इस तरह से निकल जाता है जिसमें कुछ नहीं होता और मॉनसून में फिर भी हम कोई कोई जो किसान होते हैं वो उसका पूरा डिपेंडेंट होते हैं खेती पे ही हमारा हाँ। तो फिर भी साइड इनकम है यूट्यूब इनकम होती है लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे भी होते हैं जिसका सिर्फ मेन इनकम फार्मिंग ही हाँ। होता है तो इसके लिए क्या है कि सरकार को भी किसानों के लिए कुछ आगे और करना पड़ेगा जैसे बहुत आ, बार आ, अभी मैंने देखा था पढ़ा था जो सतगुरु जी बोल रहे थे कि सरकार को इसको सीरियस लेना है किसानों का जो नुकसान हो रहा है किसान किसानी छोड़ रहे किसानों के बेटे अभी क्या करें कि इसमें क्या होता है कि किसान के बच्चे उनके माँ बाप को किसान नहीं करते करते देखते हैं कि इसमें कोई इतना फ़ायदा नहीं है और वो माँ बाप भी यही सोचते हैं कि बच्चों को पढ़ा के कुछ और करवाए नौकरी करवाए ताकि उनकी लाइफ अच्छे से सेटल से हो क्योंकि फार्मिंग में क्या रह रहा है कि अभी नुकसान बहुत आ रहा है और गवर्नमेंट कोई भी आए मैं किसी एक गवर्नमेंट को नहीं बोल रहा ना तो किसी पक्ष को बोल रहा हूँ जो भी गवर्नमेंट में है और जो भी दूसरे लोग हैं जो किसान मतलब के ऊपर डिपेंडेंट पूरी दुनिया किसान के ऊपर ही वैसे डिपेंडेंट है लेकिन वो इतना सीरियस ले नहीं रहे किसानों के प्रॉब्लम्स को तो वो लोग जरूर लें इन बातों के इन बातों पे ध्यान दें और अगर हमारे ये वीडियोस कहीं पे पहुंच रहे ऊपर जो पावरफुल लोग बैठे जो सत्ता में लोग बैठे उन, उन तक तो इन चीज़ों को सीरियसली ले क्योंकि आने वाले टाइम में अगर किसान के बच्चे फिर किसानी छोड़ देंगे फार्मिंग छोड़ देंगे तो दुनिया धीरे धीरे ख़त्म होगी और बात है और छोड़ने के रीज़न है कि इसमें महंगाई बढ़ गई है अभी बहुत ज़्यादा हाँ। महंगाई बढ़ गई है सभी हमारा देखो अगर आपको दिखाए तो जो रामो वाली जमीन हमने ली थी उसमें भी ये मूंगफली में कुछ नहीं होने वाला एक दो बीघे में नीचे जहाँ पे पानी भरा था हमारे वाले खेत में हमने ऑलरेडी ज्वार लगाई थी वो भी दो बार नुकसान हुआ वो बियारण हमारा जो ज्वार का था वो भी चला गया मूंगफली का जो बियारण लगाया था वो भी चला गया इतनी जगह का जो प्रोडक्शन होता है वो भी चला गया तो इन शॉर्ट इससे सिर्फ हम समझा रहे हैं आपको कि कैसे किसान की हालत क्या होती है ज़्यादा बारिश हो जाए या कुछ भी हो जाए जैसे आ, क्या होता है कि तूफान आ गया हाँ अगर बारिश नहीं, नहीं तो आई या तूफान आ गया या अर्थक्विक आ गया तो किस तरह से वो हमें इफ़ेक्ट करता है योजनाएँ है? है वैसे किसानों के लिए हाँ। लेकिन क्या है कि वहाँ से योजना निकलती है फिर यहाँ खाते 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 लास्ट में नहीं पहुँचती और खाने वाले लोग हैं बहुत मैं ओपन बोलता हूँ और सच्ची बात हमेशा बोल देनी चाहिए तो जो करप्टेड ऑफिसर्स हैं करप्टेड लोग हैं वो करप्शन कम करें क्योंकि आपकी भी आने वाली पीढ़ी को अनाज चाहिए होगा और फिर अगर किसान ही नहीं रहे ना तो आपके बच्चे भी नहीं रहेंगे वो पक्की बात है किसान के तो रह जाएंगे क्योंकि कुछ भी हो कितना भी नुकसान हो हमारे पूरे साल का खाना तो हमें मिल ही जाएगा और बहुत कुछ ना कुछ ऐसी योजनाएं या स्कीम्स मतलब कुछ ऐसा करना चाहिए गवर्नमेंट को भी ताकि फार्मर लोग ज़्यादा इंकरेजमेंट मिले फार्मर्स के बच्चे को कि वो फार्मिंग ही करे वो फार्मिंग छोड़े ना क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ने बोला भी है कि अगर आगे आगे ऐसे चलता रहेगा टाइम तो अगर फार्मर नहीं करेंगे तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आके फार्मिंग करेगी वो कुछ टेक्निकल अपने हिसाब से तो जो इंडिया के जो सच्चे किसान है जो खेती बाड़ी करते वो वो नहीं रहेंगे और फिर क्या रहेगा की फिर ये एक इंडस्ट्री जैसा हो जाएगा जैसे अभी पेट्रोल हमें किसी कंपनी से लेना पड़ता है जैसे अभी मोबाइल है तो कोई बड़ी कंपनी हो जाएगा बड़ी कंपनी उसको सेल करेगी तो फिर हमें क्या है कि वो हमारी जरूरत तो बन ही जाएगी जैसे मोबाइल वगैरह है हमारी जरूरत नहीं है लेकिन अनाज हमारी जरूरत बनेगा ही बनेगा और अनाज के बिना तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे <laughs> कुछ नहीं होता इसमें देखो ये इतना छोटा ही रहा इसमें कुछ एक भी नहीं है जो हमने एक सीड लगाया था दो सीड लगाए थे वैसे ये दो सीड है हाँ, तो इसमें कुछ इससे नहीं तो नहीं मतलब ये सिर्फ एग्जाम्पल है दो नहीं बहुत ज्यादा इसमें लगे थे लेकिन इसमें ग्रोथ नहीं हुआ एरिया में कुछ नहीं में क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश थी इसकी वजह से और बहुत जगह हमारे बहुत सारे जगह सभी जगह की बात करें गुजरात में बाहर सभी किसान होंगे उसको फीलिंग ये समझ में आती ही होंगे Yes. जो भी जो भी फार्मिंग करते हैं उन लोगों को समझ आ जाता है कि किस तरह से नुकसान होता है ये सिर्फ़ हमारे उन व्यूअर्स के लिए है जिनको फार्मिंग के बारे में आइडिया नहीं है तो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है कि किस तरह से फार्मिंग होती है फार्मिंग के कुछ एडवांटेज हैं डेफिनेटली वो शहर में रह के आपको कभी ये चीज़ें नहीं मिलती शुद्ध वातावरण शुद्ध खाना अपने हाथों से पकाया हुआ वो आपको डेफिनेटली नहीं मिलता लेकिन उसके साथ साथ अगर फार्मिंग को एज ए बिजनेस जब हमें लेना है तो नुकसान भी होते हैं और वो मैं ये नहीं बोला कि सिर्फ फार्मिंग में सभी, सभी जगह होते, होते हैं। नुकसान लेकिन ये वाला नुकसान थोड़ा ज्यादा रिस्की होता है तो बारिश है जी मौसम हाँ। नहीं मेन क्या होता है कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको पता है कि तीस दिन के बाद आपको इतना सैलरी मिलेगा हाँ। ही मिलेगा तो लेकिन इसमें कभी तीन महीने के बाद भी हमारी पूरी फसल पे पानी फिर जाता है कुछ और, भी होता है हाँ, वो बार नमने लगाया होता है जो बीज लगाए होते हैं वो तीन महीने के हिसाब से अगर देखा जाए तो से फॉर एग्जाम्पल के हमने एक लाख रुपये का बियारन लगाया है तो उसमें से हमें तीन चार लाख रुपए डेफिनेटली मिलते हैं अगर सब कुछ सही जाए तो आने वाले तीन महीनों में तीन चार महीनों में अगर वो चार महीनों में बारिश ज़्यादा हो गई कम हो गई तो वो सारा नुकसान होता है या कभी फ़ायदा भी होता है तो इस तरह से ये चलता है और ये चीज़ें सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए हम कोई मांग नहीं रहे या तो हम नुकसान किसी से बोल रहे कि हमारा भर दो और वो कोई भर भी नहीं सकता वैसे लेकिन ये सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन है आपको बता रहे हैं वैसे भी बहुत किसान इमोशनली कनेक्टेड होते हैं ना मूंगफली होगी बहुत अच्छी आ, जो एरिया नुकसान है जिसमें वो तो है ही लेकिन जो हमारा बाकी का फार्म है जो हमने मेहनत की है पूरे साल इसमें मिट्टी डाली इसको सारा खाद okay. दिया अभी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो हमने जो हमारा कंपोस्ट होता है हमारी गायों का गोबर वगैरह वो भी इसमें लगाया है तो उसका फ़ायदा भी मिलेगा लेकिन जितना नुकसान हुआ वो भी हुआ है अगर बारिश हुई तो नुकसान फायदा दोनों ही होता है कभी कभी कमेंट करते हैं कि आपकी मूंगफली अच्छी नहीं है इसमें आप दवाई लगा दो छटकाव कर दो तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो दवाई तो हम यूज करते ही नहीं है और करने और वाले करने भी वाले नहीं है अगर नहीं पूरा नहीं है। फेल हो जाए फिर भी तो वो तो हम क्योंकि हमारा मेहनत हो जाए उसके बाद हमारा फार्म पूरा पेस्टिस मुक्त हुआ है तो अभी एक एक टाइम के नुकसान के लिए हम इसको पूरा वापस बिगाड़ेंगे नहीं और यहाँ पास में चाचा के खेत में भी जुआर लगाई थी और अभी पानी भरा हुआ है देखिए सबसे नीचे का खेत है वैसे यहाँ पे पूरी जमीन हमारे फैमिली की है आ, जो पापा के चाचा के भाई है उनकी सबकी okay. तो ये भी उनमें से एक ही है जिसमें हाँ, पानी भरा हुआ इसमें अभी पानी भरा इसमें भरा रहेगा क्योंकि बारिश अभी आ रही है कंटिन्यूसी अभी लग, बोल रहे की नवरात्रि में भी बारिश होगी अभी अभी हम जा रहे हैं हमारे दूसरे खेत तो वो हमारा खेत रामोखा खेत ओके अभी जा रहे हैं और यहाँ पे ना पहले इसमें कुछ खाना होता था अभी मुझे मिलेगा या नहीं ओके तुम्हारी साइकिल में तो तुम बहुत फास्ट जा सकते हो ना होगी मिले तो मुझे बताना ठीक है, 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 तो तीव। है इसमें खाने का होता था कुछ लोगों ने खाया होगा पुराने टाइम में तो याद होगा लेकिन अभी नहीं दिख रहा इसमें कुछ रोटा छे टाइगर टाइगर को पता, पता है वहाँ पे ही जाने वाले हैं लास्ट डेस्टिनेशन खेत तक ही होगा तो वहाँ पे पहुँच गया इस जाने दो इस साइड में आ जाओ से जा धोरा ना 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 ये 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 तो ये हमारा दूसरा खेत है यहाँ पे अभी हम आए हैं यहाँ पे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था तो इसमें मूँगफली नहीं हुई है इतने में बाकी आगे है यहाँ ओम ने अकेले ने निकाल दिया ये देखो खींच के <laughs> अभी इसमें ना मिट्टी बहुत ज़्यादा है गीली मिट्टी ये अभी ये गीला है और ये तो एक दो तीन चार है मूँगफली अभी इसकी वैसे एज भी तीन महीने नहीं हुआ इसको तो अभी डेढ़ महीना और ये रहेगी ऐसे ही तो कुल मिला के ठीक ठाक हो जाएगी मूँगफली लेकिन जो प्रिडिक्शन था उतनी नहीं होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है तो क्योंकि ये अभी गिली है ना मिट्टी तो वैसे ये पानी की वजह से सड़ जाती है हाँ कुछ बहुत तीन चार वजह बिगड़े हुए हैं लेकिन अभी इसके जो मूल हैं वो स्ट्रांग है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये ज़्यादा पानी की वजह से ही होता है निकाल लिया अच्छे से ना अब ऐसे हिलाओ वो मिट्टी गिर हुँ. जाएगी नीचे हाँ बस 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 ये भी अच्छी हो जाएगी वो वैसा नहीं है ये भी काफ़ी ठीक ठाक मतलब हो जाएगी तो ऑयल जो है प्रोडक्शन वो भी रफली मैं बता सकता हूँ कि सौ डेढ़ सौ डिब्बे निकलेंगे या तो मे बी दो सौ लेकिन दो सौ तो नहीं जहाँ तक मुझे लग रहा है डेढ़ सौ के आसपास क्योंकि अराउंड पैंतालीस किलो से एक डिब्बा भरता है ऑयल का अभी उम जाएगा साइकिल लेके फास्ट फास्ट हो गया हो गया हो गया हो गया आमार जावन ने आमार ये वाकवा में ना जाके है क्या बहुत ज़्यादा टाइम पर साइकिल आके नहीं भाई हेयर ताव है कि ड्राई थे कौन है इतने हर जहाँ तलवारी ही है कि yes. बाहु को भी ना पता चल गया कि वो आ रहे हैं वो आ रहे हैं सुपर सुपर पावर सुपर स्पीड में बाहु जो वो बुला रहे ना वो ये डबल स्पीड में आ रहा है बाहू <laughs> जैसे बुला रहे इसकी स्पीड डबल होती जा रही है ना बाहू इसको लगा कि ये सब लोग कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के जाओ आ जाओ हाँ जाओ <laughs> ये देखो हाँ, हाँ हाँ हम यहाँ पे ही थे कहीं नहीं गए थे सिर्फ दूसरे खेत में गए थे और कहीं नहीं गए थे इसको क्यों मार थाँग। थाँग मत को। चलो, चलो। मिलेगा नहीं तुम्हारा आई जो तो गीगर उनका गीगर टाइम हो गया है तो थोड़ा सा आज देर हुआ है तो अभी सब बुला रहे सूरज टीलू इस साइड से मीरा बुला रही है कृष्णा का दूध निकालना भी बाकी अभी अभी आ रहे हैं ठीक है सब काटन आएगा अभी सूरज अभा मीरा कृष्णा